इस शनिवार को भी होगी ट्रेडिंग, वीकेंड पर क्यों खुल रहा शेयर मार्केट, समझें। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शनिवार को भी ट्रेडिंग होगी। आपको बता दें कि शेयर मार्केट के लिए शनिवार साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है, लेकिन इस बार स्टॉक एक्सचेंज दो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेंगे। इस स्पेशल लाइव ट्रेडिंग के दौरान एक निवेशक अन्य कारोबारी दिनों की तरह ही सामान्य तरीके से शेयर खरीद या बेच सकेंगे। वजह क्या है? शेयर बाजार का नियामक सेबी चाहता कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरी सिक्योरिटी जैसे प्लेटफॉर्म किसी भी विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहे और बिना किसी बाधा के ट्रेडिंग को जारी रखा जा सके। आसान भाषा में समझें तो साइबर अटैक, सर्वर क्रैश या अन्य परिस्थितियों में ट्रेडिंग के विकल्प की तलाश के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जा रहा है। इससे मार्केट और निवेशकों में स्थिरता बनी रहेगी और ट्रेडिंग भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसके अलावा डेटा भी सुरक्षित रहेंगे। कैसे होगा काम? इस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक एक्सचेंज डिजास्टर रिकवरी DR साइट का ट्रायल करेगा। सेशन के दौरान प्राइमरी साइट की ट्रेडिंग को डिजास्टर रिकवरी DR साइट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। बता दें कि 2 मार्च यानी शनिवार के दिन पहला सेशन सुबह 9:15 बजे शुरू होगा और 10 बजे समाप्त होगा, जबकि दूसरा सेशन सुबह 11:30 बजे शुरू होगा और दोपहर 12:30 बजे बंद हो जाएगा। पहले सेशन की प्री ओपनिंग 9 बजे होगी तो दूसरे सेशन की प्री ओपनिंग 11:15 बजे होगी। 20 जनवरी को हुआ था ऐलान। इससे पहले स्पेशल ट्रेडिंग का ऐलान 20 जनवरी को शनिवार के दिन को आयोजित किया जाना था, लेकिन इस दिन नॉर्मल ट्रेडिंग आयोजित की गई। दरअसल 22 जनवरी यानी सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के मौके पर स्टॉक एक्सचेंज बंद रहे थे।